उस तरफ जा रहे हैं, पहाड़ियाँ वगैरह देखने। ठीक है, शीशे दरवाजा अखबारी हाउस चुगी हाउस एंड घंटा चुगी हाउस। एक मंजिल मियां मंजिल अक्वेरियम में आई अक्वेरियम। ओए किड्डा बड़ा बच्चा ही मजी दे तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हो गया हैड ब्लॉगर के ऊपर। आज बार भी नवलर साहब अच्छा दोस्त मिलके निकले हैं हम बाहर घूमने पे, जो प्रोग्राम बनाया है हैड वाले का। ये सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पर, ये पानी की प्रेशर चेक करें, ये बड़ा हुआ है चेक करें। और इस तरफ से देखें ये फुल हो गया हुआ, इस तरफ चेक करें पानी का प्रेशर चेक करें। ये बहुत ही प्यारा सीन है यहाँ पर। और ये हमारी जो सी है ना लैंड क्रूजर, ये सबसे का टाइम है यहाँ पर। और ये हैंड वाला इस टाइम फुल है। और वो देखे कितना प्यारा यहाँ का व्यू देखे, इस टाइम फुल है, बिल्कुल फुल एंड। और ये इस तरफ पानी अभी कम है, लेकिन वो दो नहरें हैं वो फुल है। हम आ गए हैं सीधा हैड से कराची समुंदर के ऊपर। ये हैड का दूसरे वाला हिस्सा है, उस तरफ तो उन्होंने टिकट लगा लिया। ठीक है, हम टिकटों से बचते हुए इस तरफ आ गए हैं। और ये देखें एक दूसरे को मछलियां दिखा रहे हैं, हालांकि नजर इनको आती नहीं। ठीक है, इसके अलावा दो बछिंदे वो हो गए हैं, वो नजर ही नहीं आ रहे। ठीक है, और ये चेक करें कितना प्यारा है यहाँ। इस जगह से आए नीचे, ठीक है, यहाँ आके बारबेक्यू वगैरह करें, बड़ा अच्छा यहाँ का जो सा ना व्यू है। उसके अलावा आप यहाँ फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आपको कोई भी तंग करने वाला नहीं मिलेगा, खासकर यहाँ इस टाइम तो। आज तो बार अवेलेबल वैसे भी रश नहीं है, उस तरफ भी रश नहीं है, लेकिन इस जगह पर रश नहीं है। यहाँ पर लोगों को कम ही पता इस तरफ वाला रास्ता ना, क्योंकि ये दूसरी तरफ आता है निकल के एंड वाली साइड पर दूसरी। चलो चले वाला जो सा एरिया ना, यानी कि यहाँ पर आप रेत वगैरह मिल जाती है, यानी कि साफ सुथरा साइड है, कि उस तरफ तो फिर भी गंदगी है ना, तो ये एरिया बिल्कुल साफ है। मैं तो आके यहाँ स्टोन इकट्ठे कर रहा हूँ, मैंने स्टोन इकट्ठे किया काफ़ी ज़्यादा स्टोन यहाँ पर मैंने इकट्ठे किया, क्योंकि मेरे पास एक्वेरियम है घर में, मैंने एक्वेरियम के यहाँ पर स्टोन इकट्ठे किया।